नमस्कार मेरे दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चौथा डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और इसके बाद में शेखावाटी का सिरमौर जिसका नाम है झुंझुनू। आज हम बात करेंगे हमारा जिला प्रमुख जिसका नाम है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले की विशेष बातों को लेकर आपके सामने आया हूं। जिन झुंझुनू जिले में जो तहसील है, चाहे वो नवलगढ़ है, चाहे वो चिड़ावा क्षेत्र है, चाहे वो पिलानी है, चाहे वो खेतड़ी है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र को मैं आपके सामने कवर करूंगा, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं झुंझुनू जिले के अंदर यहां का ऐतिहासिक महत्व, यहां का सांस्कृतिक महत्व, कितने यहां पर दरगाह आती है, कितने मंदिर विशेष आते हैं, सब बातों को देखेंगे एक सीरीज के बाद। और इससे पहले आप देख लो झुंझुनू जिले की लोकेशन, ये आपके सामने लोकेशन झुंझुनू जिले की, इसमें आप संपूर्ण मैप में देख पा रहे हो, इसमें संपूर्ण तहसील है और इस प्रकार से झुंझुनू जिला अपना महत्व रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले में हम शुरुआत किस तरीके से करें, जैसा कि आपको सबको पता है यहां इस जिले को आज हम बोलते हैं झुंझुनू। झुंझुनू जिले की बात हम ऐतिहासिक रूप से निकल गए तो बड़ा कोई इतिहास नहीं मिलता है। कहते हैं कि यहां पर जुझार करके कोई एक जाट था, जुझार के नाम से, जिसे जुजू जुजू भी कहा जाता था, और उसी व्यक्ति के नाम के आधार पर, जुझार जाट के आधार पर इस प्रदेश का नाम झुंझुनू रखा गया। जाट बहुल्य क्षेत्र था स्टार्टिंग के अंदर, और आज आप सभी को पता है और धीरे धीरे कालांतर में क्षेत्र में क्या हुआ कि बहुत से बाहरी लोग भी आने लगे। और देखो क्या है कि आज शेखावाटी यदि मैं नाम लेता हूं तो शेखावाटी के बारे में आप सभी को पता है कि कछवाहे वंश के अंदर आप सभी जानते हो रतन सिंह करके एक शासक हुए। रतन सिंह के दरबार के अंदर सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था राव शेखा, और ये 1433 के समथिंग की बात है। राव जो यहां शेखा जो हुए और ये इनसे अलग होकर एक पृथक क्षेत्र की स्थापना करते हैं जिसे शेखावाटी के नाम से जाना गया। इसी शेखावाटी का सिरमौर इस झुंझुनू जिले को कहा जाता है। कालांतर में यहां पर बहुत से शासक आए, जैसे कि हम बात करें फिरोज शाह की बात करें या फिरोज शाह तुगलक की बात करें, यहां पर फिरोज शाह ने अपना अधिकार रखा। फिरोज शाह के बाद में यहां पर शासक आए जिनका नाम था कायम खां ने अपना यहां अधिकार किया। ये एक ऐसा प्राणी है, इस व्यक्ति ने यहां जो बसे हुए थे हिंदू लोग थे उन पे जबरदस्ती उन लोगों को इस्लाम में चेंज कर दिया था, उन लोगों को जबरदस्ती क्या बना दिया, इस्लाम में बना दिया कायम खां ने। इसलिए इसके जो कायम खां द्वारा बनाए गए जो यहां के जो हिंदू लोग थे उनको कायम खानी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपसे चायल की बात की थी, वो भी मुसलमान है लेकिन पहले वो हिंदू है, उनको जबरदस्ती बनाया गया था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कायम खां आ गए। इनके बाद में एक व्यक्ति यहां पर और आए थे जिन्हें मोहम्मद खां के नाम से हम जानते हैं। तो ये तीन व्यक्ति यहां, तीन मुस्लिम शासकों का भी यहां पर अच्छा अधिकार रहा था। फिर बाद में इन्हीं शेखावत शासकों का अधिकार हो गया था। और बता दूं आपको क्षेत्र के बारे में, यहां पर शेखावत वंश का भी अच्छा राज रहा है और शेखावत वंश का यहां पर अच्छा परचम लहराया हुआ रहा है इतिहास के अंदर। अच्छा एक बात और आती है, झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू जिले के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली, जिसे मैं दोबारा आपके सामने और भी डिफाइन करने वाला हूं। अच्छा कांतली नदी के भाव क्षेत्र में एक वंश ने निवास किया, वो था तंवर। तंवर कौन सा? तंवर चौहानों ने यहां पर निवास किया था, इसलिए इसी प्रदेश को तंवरावाटी के नाम से जाना गया। और इसी तंवरावाटी का बिगड़ा हुआ जो नाम है इसी को तौरावाटी कहा जाता है, तोरावाटी, या इसको तंवरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो तंवर से चौहानों के कारण था, तो तोरावाटी प्रदेश में भी सीकर का भाग रहता है प्लस झुंझुनू का भाग रहता है इस नदी के बाव क्षेत्र के आसपास। ये तो है इस जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम ये देखें कि झुंझुनू जिले की पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी, यहां की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या कहती है उसको हम देख लेते हैं झुंझुनू जिले के बारे में। छोटा सा जिला, इस प्रकार ये मान लो ये आपका जिला है, इसका नाम झुंझुनू। झुंझुनू के साउथ वाले भाग में ये जो भाग है, झुंझुनू के साउथ वाले भाग में यहां पर एक पर्वत फैला हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हो इस पर्वत का नाम है अरावली। और आप अच्छी तरह जानते हो झुंझुनू जिले की तहसील है खेतड़ी। झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील पूर्णतः अरावली क्षेत्र में आती है,
और आपने यहां एक नाम भी सुना होगा सिंघाणा के नाम से, और खेतड़ी सिंघाणा का नाम तो बड़ा टॉप में और फेमस नाम आप खुद जानते हो। खेतड़ी सिंघाणा का नाम आप सभी जानते हो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में भरपूर तांबे का उत्पादन खेतड़ी सिंघाणा के माध्यम से हम उत्पादन प्राप्त करते हैं। ये खेतड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी जो यहां का क्षेत्र है ये यहां पर फैला हुआ है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान कृषि विभाग इस जिले को मरुस्थलीय जिला मानता है। हमारे मरुस्थल में कुल 12 जिले आते हैं। राजस्थान के थार के मरुस्थल में कुल 12 जिले आते हैं, जिनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो वो कौन सा है, झुंझुनू जिला आता है, जहां पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। थार का मरुस्थल यहां पर फैला हुआ है, जिसके कुछ भाग के अंदर दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में सिरोही जिले से एंटर करती है, तो राजस्थान में इसका जो अंतिम शोर मानते हैं उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर, तो वो भी खेतड़ी का क्षेत्र बचेगा। खेतड़ी या हरियाणा का निकटवर्ती भाग लगता है। आपको बता दूं और इसके आसपास की लोकेशन क्या, देखो इसके उत्तरी भाग में यहां पे तो लगता है जिला जिसका नाम है चूरू, इस साइड में एक स्टेट लगेगा जिसका नाम है हरियाणा, और इसके इस साइड में भाग लगेगा, यहां पर भी चूरू जिले का भाग इसके साथ स्पर्श होता है, और साथ में हम बात करें तो यहां पर सीकर जिले की सीमा स्पर्श होती है। ये हमारे झुंझुनू जिले के आसपास की लोकेशन है। शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी के सिरमौर के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात कर लें इसकी क्लाइमेट कैसी है, झुंझुनू जिले की यहां की क्लाइमेट कैसी है, यहां की जलवायु का प्रभाव कैसा है। जैसा कि अभी मैंने बोला, कृषि विभाग जब इस जिले को मरुस्थलीय जिला मानता है तो नॉर्मल सी बात, यहां पर कोई शीत जलवायु तो होगी नहीं, मरुस्थलीय जिला है तो सामान्य सी बात है, स्थिति तो उपोष्ण कटिबंध राजस्थान के लगभग 31 जिलों की, ठीक है, तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु का शानदार प्रभाव देखने को झुंझुनू के अंदर मिलता है, मिला दिया। फिर इसके बाद हम बात कर ले नदी विशेष के बारे में कि झुंझुनू जिले की ड्रेनेज सिस्टम क्या बोलता है, नदी की कहानियां क्या मिलती है, नदी क्या बोलती है झुंझुनू जिले की। नदी की हम बात करें तो झुंझुनू जिले में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो नदी एक ही आती है जिसका नाम है कांतली। कांतली नदी ध्यान रहे इस प्रकार झुंझुनू जिले के मध्य भाग में बहती है। ये कांतली नदी आती कहां से है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से वर्णन कर लेता हूं आपके सामने, ताकि आप इसको और भी बारीकी से पढ़ लो, आपके कोई किंतु परंतु आपके दिमाग में न रह जाए। जैसे सीकर जिले के अंदर एक पहाड़ी है, सीकर जिले में एक पहाड़ी जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी कहां पड़ती है, सीकर जिले में। खंडेला की पहाड़ी से इस प्रकार से नदी निकलती है, ये लो जी निकाल दी नदी, ये लो ये निकल गई सीकर जिले से। सीकर जिले के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है, सीकर के कौन सी भाग में, पूर्वी भाग में। नंबर दो जिला है झुंझुनू, झुंझुनू के मध्य भाग में प्रवाहित होती है, ये बन गया कांतली भाव क्षेत्र, ये नदी की विशेषता है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता गया कि इस नदी के भाव क्षेत्र में क्या तंवर वंशीय चौहानों ने निवास किया, इसलिए इसके भाव क्षेत्र को तौरावाटी के नाम से जाना जाता है। तौरावाटी या इसे तंवरावाटी एक ही बात है, एक ही प्रकार से बोलेंगे, ध्यान रहे तौरावाटी क्षेत्र तो इसका आ जाएगा, लेकिन तौरावाटी जो भाषा है ना वो किसकी उपभाषा है ये जरूर ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी भाषा की उपभाषा तोरावाटी भाषा मानी जाती है, ठीक है जी। ये लो इसके भाव क्षेत्र के बारे में बात होगी। अब थोड़ी सी और बात कर ले, इस नदी के भाव क्षेत्र में दो सभ्यता प्रमुख रूप से विकसित हुई। एक सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। एक सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता क्या है ये, अच्छा गणेश्वर की बात होगी। एक सभ्यता और आती है, यह तो आती है सीकर क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है, इस नदी की बात है। दूसरी हम आ जाए हमारे क्षेत्र में झुंझुनू में प्रॉपर बात करेंगे, यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, गणेश्वर सभ्यता इस क्षेत्र में जाती है। इसको हम पढ़ेंगे सीकर जिले में पूर्णतः इसको हाईलाइट करेंगे। हमें हाईलाइट करना है हमारी सुनारी सभ्यता को। यहां पर एक तांबे को गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, भट्टी बड़ी कहां प्राप्त हुई है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर प्राप्त हुई है, ठीक है जी, होगी प्राप्त।
झुंझुनू जिले के अंदर कांतली नदी का जो अंतिम क्षेत्र है जिसका नाम है मंडरेला। झुंझुनू जिले में कांतली नदी का अंतिम क्षेत्र है, अंतिम छोर है, लास्ट बिंदु है, इसका नाम क्या है? मंडरेला। मंडरेला कहां पड़ता है? झुंझुनू में। बस कसम खा रखिए चूरू में नदी नहीं जानी, बस बॉर्डर के पास गांव पड़ता है, इसके पास इसका पानी खत्म हो जाता है। ये लो, ये आपकी नदी की बात होगी। अब झुंझुनू में देखते हैं कोई वन क्षेत्र है ना? कोई वन नहीं है, कोई अभयारण्य नहीं है। खनिज वगैरह में बात करें, तांबा खूब उत्पादन होता है, तांबा उत्पादन में अग्रणी है। कृषि की बात करें, सरसों उत्पादन ठीक ठाक होता है, फर्स्ट फूड कोई स्थान नहीं है। ये था उद्योग वगैरह, हाँ उद्योग वगैरह में स्थान अग्रणी है। अब मैं यहां इस झुंझुनू जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही शानदार है, मैं उस महत्व को लेके आता हूं। देखो यहां कुछ एक देवी है, सबसे प्रमुख यहां एक माता है जिस माता का नाम है राय माता। राय माता का मंदिर कहां है? गांगियासर। हम बात करेंगे गांगियासर में राय माता, बस आप याद रखना कुदरती आ जाए। राय माता का मंदिर गांगियासर में आता है। इनका मेला कब बढ़ता है? विजयदशमी को बढ़ता है। विजयदशमी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसी दिन आपको पता है दशहरा मेला भरता है। दशहरा मेला राजस्थान में सबसे महान जो मेला है वो बढ़ता है कोटा के अंदर बढ़ता है। कोटा के बाद हम बात करें भारत में, ये दशहरा मेला सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा मशहूर है। मैसूर का, मैसूर कहां है? कर्नाटक। यहां भारत में सबसे बड़ा दशहरा मेला बढ़ता है, 7 दिन तक मेला रहता है यहां पर। दूसरा स्थान आता है कोटा जिले का, राजस्थान में सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा में बढ़ता है। जबकि विजयदशमी के दिन, देखो इस दिन दो तीन महत्व और भी है, विजयदशमी के दिन समी वृक्ष की पूजा करने का बहुत ही महत्व। समी बोले तो खेजड़ी, खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। विजयदशमी के दिन एक बात और याद कर लो, लीलटांस, नाम सुना होगा आपने, लीलटांस पक्षी के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ठीक है, यह इस विजयदशमी की विशेष बात है। खेजड़ी पेड़ की पूजा होती है, इसे शमी वृक्ष बोलते हैं, कोई जांटी बोलता है, कोई जंडी बोलता है, इस प्रकार अलग अलग लैंग्वेज में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। राय माता की विशेषता मैं करवाता हूं कंप्लीट, ये होगी राय माता की विशेषता। राय माता के बाद हम दो नंबर यदि बात करते हैं तो यहां पर एक बड़ा ही फेमस स्थान आता है जिसका नाम है लोहारगल। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जिसका नाम है लोहारगल, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। लोहारगल क्या है? अरावली की श्रेणी के अंदर खेतड़ी तहसील के अंदर लगभग क्षेत्र में आता है ये। यहां पर एक पर्वत है जिसको हम माल केतु के नाम से जानते हैं। जैसे एक पर्वत है इस प्रकार से, पर्वत श्रृंखला है बड़ी सारी, ये लो जी, ये यहां पर एक पर्वत, दो बड़े पर्वत है, इस पर्वत को बोलते हैं माल केतु पर्वत बोलते हैं। इन्हीं पर्वतों के बीच में यहां पर एक कुंड बना हुआ है, बहुत फेमस कुंड है। इस कुंड को बोलते हैं सूर्य कुंड। यहां पर सूर्य कुंड बना हुआ है, स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। शेखावाटी में इतना ज्यादा महत्व है कि इसे, इस प्रदेश को शेखावाटी का पुष्कर कहा जाता है, इसे बोलते हैं शेखावाटी का पुष्कर। और क्या महत्व है जी? ये जो कुंड है, इन पर्वतों की एक यात्रा होती है, फेरी लगाई जाती है। ये टोटल फेरी कटती है 24 कोस के अंदर। हमारे राजस्थान में 24 कोस की फेरी, 24 कोस की यात्रा कहां की प्रसिद्ध है? माल केतु पर्वत की होती है, जिसे लोहारगल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह है हमारा लोहारगल तीर्थ। लोहारगल तीर्थ के 24 कोस की क्या होती है? यहां पर यात्रा होती है। यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर सूर्य कुंड बना हुआ है, जिसको भी चरम रोग है, चरम रोग स्पेशलिस्ट कुंड है। जो आपके फोड़े फुंसी खाज खुजली जो होती है, वहां जाओ, स्नान करके आ जाओ, बताते हैं कि इलाज हो जाता है। बाकी तो अजमा के देख लो, यदि किसी की समस्या है, आसपास का कोई है तो जाके देखे, हुआ है तो नहीं होता है। सुनने में जनश्रुतियां हैं, धार्मिक स्थल पे तो अधिकतर जनश्रुतियां माननी पड़ती है, क्या करें, ये चलता है। तो सूर्य कुंड की विशेषता ये थी, ये था लोहारगल जी तीर्थ, ये मैंने करवा दिया पूरा। 24 कोस की यात्रा है, अरावली के अंदर बड़ा ही शानदार स्थान है। और यहां पर ये जो एक पर्वत है, कहते हैं कि लगभग कीपाकार आकृति का छोटा सा एक पर्वत है, बड़ा ही विशेष तथ्य देखने को ये मिलता है कि पर्वत की जो लोकेशन है वो शानदार यहां की मानी जाती है। जल्द ही आपको दिखा दूंगा, जैसे मुझे मौका मिला झुंझुनू जाने का तो मैं आपको ये दिखा भी दूंगा कैसा किस प्रकार से पर्वत है। ठीक है, ये आपका लोहारगल पर्वत करवा दिया मैंने।
कंप्लीट। अब आगे कोई और पर्वत देखते हैं। राम रे, लोहारगढ़ जी के बाद हम बात करेंगे अब हमारे यहां सबसे प्रमुख माता रानी सती। हमारे तो कई क्या भजन ही ऐसे ऐसे हैं जिनके अंदर माताओं का बालाजी का नाम आता रहता है। सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी झुंझुनू रे माई। रानी सती माता का मंदिर आता है झुंझुनू में। कहां आता है? झुंझुनू में आता है। रानी सती ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है। अग्रवाल समाज की क्या है? कुल देवी है। देखो एक बात जरूर याद कर लेना, अधिकांशतः जो माता है हमारे राजस्थान के लोक देवता है, इनका या तो सावन का महीना ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाद्रपद का महीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन देवियों की बात करें या तो चैत्र का महीना ज्यादा महत्वपूर्ण है या अश्विन का महीना या आशोज का महीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये रानी सती की जो बात करते हैं ना, इस माता का जो विशेष महीना आता है वो आता है भादवा। लगभग माताओं में तो अष्टमी होती है या सप्तमी होती है ना, इसकी तो यहां पर अमावस। इस माता की जो धोक लगती है भादवे की अमावस्या को धोक लगती है। किसकी? रानी सती माता की धोक लगती है। अच्छा अब क्या कि आपको बता दूं, राजस्थान में एक सती प्रथा आप जानते हो, सती एक प्रथा होती है। सती प्रथा थोड़ा सा मैं जिक्र और कर लूं। सती प्रथा क्या होती है? सती महिलाएं पहले क्या होता था, जैसे हमारे राजपूत वीर थे वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे लड़ते लड़ते, तब क्या है कि उनकी स्मृति में उनकी मान सम्मान उनकी मान मर्यादाओं के लिए ये जो महिलाएं थी उनके पीछे अग्नि में बैठकर अपने आप को भी इसमें आहुति दे दिया करती थी, इसे सती बोलते थे। देखो सती होने के कई तरीके हैं। देखो महिलाएं सती होती थी ये प्रथा बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे आप समाधि भी कह सकते हो तरीके से। ये दो तरीके से होती है, एक तो होता है सहमरण, एक होता है अनुमरण। सह मतलब सागे साथ में, सागे सागे। सहमरण का मतलब होता है साथ में, जैसे मान लो डेड बॉडी है, डेड बॉडी पड़ी है उठा मत ले जाना, अभी इसको जलाना है, इसके पास में यहां लकड़ी की शानदार व्यवस्था करके ऊपर यहां पर बैठ जाया करती थी। इस प्रकार से साथ में अग्नि में चीखती थी पुकारती थी, यहां पर सती हो जाती थी। इसको बोलते हैं सहमरण बोलते हैं, ठीक है। अग्नि के माध्यम से क्या होना? सती होना। हो गए। दूसरा अनुमरण। अनुमरण का मतलब ये है पत्नी को मौके पर पता नहीं लगा, वो उनके पीछे उनके मान सम्मान के लिए सती होना चाहती थी, लेकिन जब पता लगा तब भावुक हो उठी और अब वो सती होना चाहती है, तो अब वो तो होगा नहीं, उसको डेड बॉडी जला दिया, ये काट दिया। अब क्या किया जाएगा? कोई निशानी लेनी पड़ेगी। कोई ज्यादातर तो इतिहास में पगड़ी का महत्व मिलता है, ऐसा भी हुआ है। ऐसा एक उदाहरण मिलता है मालदेव का। मालदेव जोधपुर का शासक था, मालदेव एक्सपायर हो गया, इस बात का मौके पर नहीं पता लगा इनकी रानी उमादे को, क्योंकि रूठ के गई थी, राजी पॉइंट में हुआ नहीं था, नाराज थी। उमादे को बाद में पता लगा, तब इस उमादे ने मालदेव की एक निशानी मंगाई थी, निशानी मंगाई थी पगड़ी, और उस पगड़ी के साथ में क्या हुई? सती हुई थी। तो इसे बोलते हैं अनुमरण। एक होता है सहमरण, दूसरा होता है अनुमरण। तो इस प्रकार से सती की परंपरा थी ये। राजस्थान में अंतिम सती 1986 के अंदर हुई थी। मैं आपसे एक प्रश्न रखूंगा, राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? और ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पर सती, इसको सती दादी जी के नाम से भी जानते हैं, यहां पर दादी और बोलते हैं इनको, सती मेला भरता है। अब तो ये मेले पे इस पर रोक लगा दी, बता रहे हैं कि ये सती वाला जो काम सही नहीं था इस प्रकार से। तो मैं आपसे प्रश्न चाहूंगा, जो महिला सती हुई थी उस महिला का संबंध किस गांव से है, प्लस वो किसकी महिला थी, किसकी पत्नी थी, उस व्यक्ति का नाम, इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगा। कई तो ठाले बेशरम ऐसे ऐसे आदमी है अपना मतलब भी पूरा कर लेते हैं, और कई तो ऐसे इतने खतरनाक प्राणी वीडियो को देख भी लेंगे
सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे तो तुम्हारा कोई कुछ घिस जाएगा क्या? लाइक कर दिया करो उसको, लाइक कर दोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। मतलब एक बता देता हूँ, बहुत शानदार बात है, ये जो मास्टर लोग होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, ये सम्मान के भूखे होते हैं। मतलब इनको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए ना, थोड़ी सी इज्जत मिलती है क्या, थोड़े से मतलब बहुत चढ़ जाते हैं। ये दो चार बच्चों ने बोल दिया गुरुजी वास्तव में मजा आ गया, बस अब क्या टीचर को नींद ही बहुत शानदार आती है। दो ने बोल दिया ना बड़ी शानदार नींद आती है, आपका कुछ नहीं जाता, आप देख रहे हो लाइक कर दो। और क्या लाइक कर दोगे, शेयर सर तो छोड़ो, लाइक कर दो। और अब आप जवाब दोगे मुझे, जैसा भी आपको पता है सर्च करो, ढूंढो, जब मोबाइल हाथ में तो जुलाव भी मिल सकता है आपको, ढूंढ के बताओगे कि रानी जो अंतिम राजस्थान की सती है उसका संबंध किस गांव से था, आंसर निकल जाता बची है अभी, इसका संबंध किस गांव से है, प्लस सती हुई थी उस किसकी पत्नी थी, और टाइम तो मैंने बता ही दिया, और ये सती मेले पे रोक लगी वो कब लगी थी, ये प्रश्न आपसे चाहूंगा, ये मुझे आप बताओगे। रानी सती का प्रमुख मंदिर कहाँ है, ये मंदिर आता है कहां पर, झुंझुनू के अंदर ये मंदिर आता है, कर दें साहब। इसके अलावा जो एक मंदिर और है झुंझुनू के अंदर, मनसा देवी का मंदिर, बहुत फेमस है, बस याद करना है मनसा देवी को, बस इसका एक स्थान आएगा। मनसा देवी का मंदिर कहां है, मनसा देवी का मंदिर झुंझुनू में है, एक चूरू में भी मनसा देवी का मंदिर आता है। और दूसरी बात यह है मनसा देवी की कि मनसा देवी के दो मेले भरते हैं। मनसा देवी के क्या भरते हैं, दो मेले भरते हैं, एक मेला तो भरता है अश्विन महीने में मेला भरता है, दूसरा जो मेला भरता है वो आप सभी को पता है चैत्र माह में, यहां अष्टमी पे इन देव माता की क्या लगती है, धोक लगती है। ये विशेष बात किसकी है, मनसा देवी की, मनसा देवी होगी पूरी। अब हम चलेंगे एक देवी और है यहाँ झुंझुनू जिले के अंदर, जिस देवी का नाम है सक्राय माता, यह एक माता जिसका नाम है सक्राय माता, देखो शाकंबरी भी कह सकते हो आप, यहां पर एक तहसील पड़ती है उदयपुर वाटी के नाम से पड़ती है, उदयपुर वाटी तहसील के अंदर, इससे लगभग 18 किलोमीटर आगे बताया जा रहा है कि यहां पर एक गांव है जिसका नाम है सकराय। इस सकराय गांव के अंदर यहां पर सकराय माता का मंदिर है, सकराय शाकंबरी को बोलते हैं, ये सकराय माता का मंदिर भी यहीं पर आता है। और सकराय माता के अन्य भी मंदिर आप सभी को पता है, एक मंदिर तो देव कुचामन के अंदर है, सकराय शाकंबरी माता का मंदिर एक कुचामन के अंदर आता है, दूसरा मंदिर सांबर में आता है, देवयानी तीर्थ में आता है, तीसरा मंदिर राजस्थान से बाहर सहारनपुर के अंदर आता है, सहारनपुर कहां पड़ता है, यूपी में, यहां भी एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो ये सकराय माता के प्रमुख मंदिर है, ये भी आपके यहां होंगे कंप्लीट। अब बताओ इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आगे भी आपको मैं नहीं होने दूंगा। इसके बाद बड़ी ही एक विशेष बात जिनका नाम है नरहड़ के पीर, यहां पर एक स्थान पड़ता है नरहड़, नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर कौन है, शक्कर बाबा। शक्कर बाबा सांप्रदायिक सद्भावना का शानदार प्रतीक यहां पर देखने को मिलता है, बहुत ही गजब यहां पर पीर बाबा की दरगाह है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। विशेष बात ये आती है, एकमात्र पीर बाबा, एकमात्र राजस्थान के पीर जिनका जो उत्सव है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका सब प्रोग्राम होता है, ये है सकर पीर बाबा, इन्हीं को कहा जाता है बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी, इन्हें जानते हैं बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है, और इन्हें बोलते हैं हाजी पीर या हाजी बाबा के नाम से नरहड़ के पीरों को जाना जाता है। बहुत शानदार मंदिर है, बस ये याद कर लेना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस पीर का मेला भरता है, शक्कर पीर बाबा, नरहड़ के पीर, बांगड़ के धनी, हाजी पीर के नाम से ये जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है। इसके अलावा ये देवताओं को मैंने लगभग यहाँ पूरा किया, और देवताओं के बाद में मैं यहाँ एक अलग बात करता हूं। खेतड़ी के अंदर एक बहुत ही फेमस महल है, खेतड़ी तहसील के अंदर एक बहुत ही फेमस यहाँ का महल आता है जिसे हवा महल की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि यहाँ के एक शासक थे
जिन्होंने यहां पर एक हवा महल बनवाया था। कहते इस हवा महल के अंदर देखने को दो झलक मिलती है, लखनऊ की तो मिलती है भूलभुलैया, मतलब यहां भूलभुलैया भी लगती है, लखनऊ के जैसे महलों में भूलभुलैया लगती है वैसी इसके अंदर भूलभुलैया लगती है। इसके अलावा कुछ झलक इसके अंदर देखने को जयपुर के हवा महल की लगती है, इसीलिए खेतड़ी के हवा महल को राजस्थान का सेकेंड हवा महल या शेखावाटी का हवा महल की संज्ञा इसको दी जाती है। ये है खेतड़ी का हवा महल, जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इसके अलावा यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है किरोड़ी, विद्यार्थियों किरोड़ी गांव की यदि हम बात करते हैं तो किरोड़ी गांव के अंदर बता देता हूं एक विशेषता, यहां पर केवड़े के वृक्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। किरोड़ी गांव के अंदर क्या मिलते हैं, केवड़े के वृक्ष यहां पर बहुतायात में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, रिपीट कर देता हूं, नरड के पीर शक्कर बाबा सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कृष्ण जन्माष्टमी को यहां पर उर्ष भरता है, बांगड़ के धनी हाजी पीर, खेतड़ी का हवा महल, लखनऊ की भूलभुलैया देखने को मिलती है, राजस्थान का सेकंड हवा महल के नाम से फेमस है क्योंकि यहां पर जयपुर के हवा महल और लखनऊ की भूलभुलैया की झलक देखने को मिलती है, इसलिए राजस्थान का सेकंड हवा महल इसे कहा जाता है। किरोड़ी की बात करें, किरोड़ी क्यों फेमस है, केवड़े कैसे किरोड़ी और कैसे केवड़े के वृक्ष यहां पर देखने को मिलते हैं, ये बात भी कंप्लीट। और अब हम अन्य बात करेंगे नेक्स्ट कड़ी में, यहां पर हम बात करते हैं वो करेंगे खेतड़ी स्वयं की बात करेंगे। खेतड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद एक पूजनीय महाराज है, बहुत शानदार भारत की एक बुद्धि इंसान है जिनका नाम पूरे इंडिया ने पूरे विश्व भर में छाया था, वो थे स्वामी विवेकानंद, इनका नाम हुआ करता था। इनका संबंध खेतड़ी के शासक थे आप सभी को पता हो, जिनका नाम अजीत सिंह, खेतड़ी के शासक जिनका नाम था अजीत सिंह, अजीत सिंह का संबंध स्वामी विवेकानंद से रहता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें इनके बाप का नाम था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की जो शिक्षा हुई थी वो भी खेतड़ी के अंदर हुई थी, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम और अन्य बात कर लें, आपने तालाब का नाम सुना होगा, तालाब भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तना पन्नालाल शाह का तालाब, यहां पर एक तालाब है पन्नालाल शह का तालाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट तालाब आता है। खेतड़ी का जिक्र किया मैंने, खेतड़ी में क्या क्या आपको बताया, खेतड़ी में नंबर एक बात क्या बताई मैंने आपको कि यहां पर स्वामी विवेकानंद का संबंध रहता है। इसके अलावा मैंने आपसे और क्या बात की कि यहां पर और बात करें तो मोतीलाल नेहरू के बारे में बता दिया, मोतीलाल नेहरू का संबंध यहां से रहता है। फिर पन्नालाल शाह की बात करें तो ये पन्नालाल शाह का तालाब भी यहां पर अपना अस्तित्व रखता है। फिर यहां एक बंसीलाल करके गांव पड़ता है, बंसीलाल करके, तो जो बंसीलाल जो गांव है यहां पर एक बांध बना हुआ है और उसका नाम है अजीत सागर बांध है, अजीत सागर बांध यहां पर बना हुआ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां का बांध माना जाता है। इस बांध का भी यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नवलगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं, और एक पिलानी क्षेत्र है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिलानी का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, पिलानी के बारे में देख लो विद्यार्थियों, पिलानी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो यहां पर सीरी का मुख्यालय है। सीरी क्या होता है, देखो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट कहां आता है, पिलानी झुंझुनू के अंदर इनका इंस्टीट्यूट आता है। इसके अलावा हम बात कर लें BITS, यदि आप में क्षमता है तो आप मुझे इसकी फटाफट से फुल फॉर्म बता दो, BITS की फुल फॉर्म क्या होती है, एक प्रश्न शानदार आपके लिए मैं रखता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओगे BITS की फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि BITS की फुल फॉर्म
क्या होती है। बीआईटीएस के बाद में अब हमारे पास मुख्य मुख्य क्षेत्र बचा है नवलगढ़ का बचा है। नवलगढ़ भी यहां पर अपना अस्तित्व उछा रखता है। हवेलियां बहुत शानदार यहाँ की हवेलियां हैं। हवेलियों में मैं आपको बता दूं, बढ़िया बढ़िया पोदारों की हवेली है, भगतों की हवेली है, भूतों की हवेली है, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स है, रूप निवास महल यहां पर बना हुआ है, चौखानी हवेली है, ये बघेरियों की हवेली है। इतनी बड़ी बड़ी यहां पर हवेलियां हैं, आप इन सबको याद कर सकते हो, बहुत शानदार अपना महत्व रखता है इनको। देखो क्या है कि मैं थोड़ा फास्ट क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन है कि आप तो वीडियो स्लो करके देख सकते हो, दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, मुझे आपको पता है बहुत जिम्मेदारियां हैं और भी क्लास लेनी पड़ती है, वो आप मेरी मजबूरी समझो, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे एक स्थान की बात करूंगा, यहां पर एक स्थान है भागोरगढ़। भागोरगढ़ के अंदर यहां पर एक किला बना हुआ है, ये भी ज्यादा जरूरी है। भागोरगढ़ के अंदर यहां पर आप पास किला बना हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लेना। यहां पर एक गांव है अकवाली के नाम से, अकवाली गांव फेमस है। यहां पर खनिज की यहां पर लाइब्रेरी है, खनिज कोर लाइब्रेरी बोलते हैं। खनिज की लाइब्रेरी वो कहां आती है, अकवाली गांव के अंदर आती है। विद्यार्थियों आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने आपकी बहुत ज्यादा बातें कवर की है, सबको याद रखना है, कहीं को दिक्कत नहीं है। मैं रिपीट करूं उसे अच्छा, आप इसको दोबारा रिपीट कर लो, मैं ऐसे फालतू आप खुद देखो मैं इतना और आगे इसको बढ़ाऊं उसे अच्छा है कि हाँ आगे मैं फोटोज देता हूं उनको देखा करो, देखने से ज्यादा याद रहता है। मैंने क्या क्या पढ़ाया, देखो राय माता पढ़ाया जिनका संबंध गांगेस्ता से रहता है, दसवीं को मेला भरता है। फिर मैंने यहां आपको बताया था लोहारगल जो आता है, माल केतु पर्वत इसके लिए महत्वपूर्ण है। फिर रानी सती की बात करी, रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी है, यहां पर मेला भरता था, सती के उपलक्ष में मेला भरता था। फिर बताया रानी सती के बारे में कि यहां पर मेला पे रोक लगा दी गई है, मेले पर रोक लग चुके वो भी सारी बात हो गई। खेतड़ी का हवा महल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरड में हाजी बाबा है, इनके 3 दरवाजे बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद कर लेना। 3 दरवाजे हैं हाजी बाबा के, बुलंद दरवाजा है, बसंती दरवाजा है, बगली दरवाजा है। बसंती बगली और बुलंद दरवाजा, 3 दरवाजा हाजी बाबा की दरगाह या शक्कर पीर बाबा की दरगाह, वहां पर ये दरवाजे देखने को आपको मिलते हैं। ये यहां की सबसे बड़ी विशेषता थी विद्यार्थियों। इसके अलावा विवेकानंद जी का संबंध बताया था आपको मैंने, कहां से है, खेतड़ी से इनका संबंध बताया था। इसके अलावा पन्नालाल शाह का तालाब, वो भी मैंने आपको बताया यहीं से संबंध रखता है। फिर मोतीलाल नेहरू की शिक्षा जो हुई थी वो कहां से हुई थी, वो भी यहीं से खेतड़ी से क्लियर हुई थी। और खेतड़ी और पलस सिंघाना 2 ऐसे क्षेत्र है जो तांबा उत्पादन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।